हेलो इन्वेस्टर्स, तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। तो गाइस शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं डेली शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंट्राडे कोर्स देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं, लिंक उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो गाइस शेयर की बात कर लेते हैं। जब से कंपनी शेयर लिस्टिंग कर रही थी और ट्रेडिंग ऑफ थी, जब ये 16-17 के आसपास थी, तब से मैं इसके बारे में अपडेट दे रहा हूँ। और उससे पहले काफ़ी पहले से, जब से मैंने चैनल चालू किया तब से मैं ये जो भी पेनी स्टॉक्स हैं सबके बारे में अपडेट देता आ रहा हूँ। तो सुबेक्स भी उनमें से एक है। तो तब बहुत मेंबर्स ने सलाह मानी थी, इन्वेस्ट भी किया था, मेरे पास मैसेजेस भी आए थे और शेयर 33 प्लस जा चुका है लिस्टिंग के बाद। गाइस बहुत लोगों ने एंजॉय किया होगा प्रॉफिट, बहुत लोगों ने मज़े किए होंगे इसके अंदर शेयर मार्केट में। लेकिन दिक्कत कहाँ आई, जब लोग एट हाई जाके फंस गए, जब शेयर बढ़ता गया तो लोगों ने उसको वहाँ पे जाके बाय कर लिया। लेकिन ये नहीं देखा कि जब शेयर अपनी ओवर वैल्यू हो जाता है तब हमें बाय नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग को क्वेश्चन पूछने चाहिए थे या फिर अपडेट देखना चाहिए था, लेकिन लोग फंस चुके। तो गाइस आपको बता दूं कि इसका जो लोअर रेजिस्टेंस है वो है 22.50 के आसपास जाके ये फिर से रिबाउंड कर सकता है। अभी ये अपर सर्किट में तो नहीं कह सकते, फ्लक्चुएशंस में ही है, सो गुड विल है वो, लेकिन एक बाय करने का टाइम उसे नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ से नीचे भी आ सकता है 22 रुपये तक। और अपर टारगेट जो है वो है 29 रुपये का। 29 रुपये के बाद अगर आप इसे बाय करेंगे, 29 ये क्रॉस करता है, तो फिर आप इसे बाय कर सकते हैं 34-33 तक, उसके अराउंड तक ये आराम से जाएगा। लेकिन ये दोनों टारगेट जब तक हिट नहीं करे तब तक आप इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए सोचना मत। और अपडेट्स के लिए ज़्यादा आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली आप लोग को अपडेट देता रहूँगा कि आपको किस शेयर को कहाँ पर किस टाइम पर बाय करना है, और कॉल्स भी देता हूँ, आप वो लेकर अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो ऐसा मत सोचिए कि आप फंस चुके हैं या कुछ और, शेयर काफ़ी अच्छा है, कभी ना कभी आपको रिटर्न देगा। अगर जो 32 रुपये के आसपास लेके, बहुत लोग हैं मैसेज लेके 32 के आसपास लेकर फंस चुके हैं, तो गाइस उसके लिए बता दूं कि शेयर के अंदर बने रहिए, प्रॉफिट में तो आएगा, 32 को क्रॉस करेगा डेफिनेटली, रिटर्न देगा एक अच्छे टाइम पर। तो गाइस अभी के लिए सिर्फ इतना ही, चैनल पर बने रहिए, वीडियोज़ ऐसे ही आती रहेंगी।